student, myself Shalini, and now we are understanding the proteins. Okay, on page number 19. Protein form the main structure of our body. Protein जो है वो हमारी body की main structure form करता है, like muscles, skin, hair and nails. They are needed for growth. Protein हमारी growth के लिए जरूरी होता है and repair of our body cells. और हमारी जो body cells जो कि damage हो गई होती हैं, उनको repair करने का जो main function होता है, वो protein का ही होता है. They also help in making new cells and tissues. और दूसरा जो प्रोटीन है वो क्या करता है, न्यू सेल्स और टिश्यूज को फॉर्म करने में भी हेल्प करता है. अगर ब्लड कंटेन्स अ प्रोटीन, हमारा जो ब्लड है उसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिस प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, और उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, विच कैरीज ऑक्सीजन, जो क्या करता है ऑक्सीजन को कैरी करता है, ले जाता है फ्रॉम लंग्स, लंग से फेफड़ों से टू द सेल्स, सेल्स तक, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स टू द लंग्स, और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है सेल से द सेल्स ऑफ द लंग्स, लंग्स की सेल्स तक. ऑक्सीजन इज नीड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ऑक्सीजन जो होता है वो फूड के ऑक्सीडाइज होने में ऑक्सीजन की जो है जरूरत होती है, एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, और इस प्रोसेस में एनर्जी को रिलीज करता है. व्हेन अवर फूड डज नॉट हैव सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, जब हमारे फूड के अंदर प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और फैट, प्रोटीन्स ये सब नहीं होते हैं, तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन बर्न होता है हमारी बॉडी में, इन द बॉडी टू गिव अस एनर्जी, ताकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सके. नाउ प्रोटीन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज. प्रोटीन का जो मेन दूसरा फंक्शन होता है वो होता है कि हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज को बनाकर, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करता है. बट अवर बॉडी डज नॉट स्टोर प्रोटीन, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन को स्टोर नहीं कर पाती है. Therefore, some proteins are essential in our daily intake of food. इसीलिए कुछ proteins जो है हमारी daily जो हम लोग food लेते हैं उसमें उसके essential होते हैं, जरूरी होता है वो हमारे लिए. Also, if more proteins are eaten, जबकि ज्यादा से ज्यादा proteins जो है वो खाए जाते हैं, then required by the body, जो कि हमारी body को जितनी required होती है उससे ज्यादा amount में खाया जाता है. And they are converted into fats, और वो जो protein है वो fats में convert हो जाता है. The daily requirement of proteins for a healthy person is about 1 gram per kilogram of body weight. जो हमारी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की हेल्दी पर्सन के अंदर, वो होती है 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट. हमारी जो बॉडी वेट है उसका 1 ग्राम. However, the protein requirement of a person depends on age. जबकि जो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो जरूरत होती है, वो डिपेंड करती है किसी पर्सन की, उसकी एज पर, दूसरा जेंडर पर, एंड हेल्थ कंडीशंस, और उसकी हेल्थ की कंडीशंस कैसी हैं, इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है. द ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड मदर्स नरिशिंग अ चाइल्ड नीड मोर प्रोटीन. जैसे कि बढ़ता हुआ बच्चा होता है, प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, और दूसरा जो मदर्स फीडिंग कराती हैं अपने बेबीज को, उनको प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. पेशेंट्स रिकवरिंग फ्रॉम अ डिजीज, जो पेशेंट रिकवर कर रहे होते बीमारियों से, उनको भी ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है. चिल्ड्रन गेटिंग लेस प्रोटीन इन दियर डाइट, चिल्ड्रन जो होते हैं उनकी डाइट में प्रोटीन कम होता है. ग्रो अंडर वेट एंड स्किनी विद लिटिल फ्लैश ऑन देयर बोन्स, क्योंकि उनकी जो बोन्स होती है वहां पर उसमें जो होता है वो लिटिल फ्लैश होता है, बहुत कम मांस से बनी हुई बॉडी होती है, इसीलिए जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उनके अंदर प्रोटीन थोड़ा उनकी डाइट में कम होता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.